शालीन बनोट ने रीसेंट इंटरव्यू के दौरान किया बड़ा खुलासा। रोहित शेट्टी को मना करके एकता कपूर के शो के ऑफर को एक्सेप्ट करने पर बड़े खुलासे करते हुए नजर आ रहे हैं शालीन बनोट। आइए जानते हैं आखिरकार रोहित शेट्टी को मना करने पर शालीन ने क्या कहा है और शालीन ने खुद को क्यों माना है विनर। आइए पूरी खबर की जानकारी बताऊंगी इस वीडियो में। नमस्कार, मैं स्निग्धा, स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे चैनल पर। गाइस बेसिकली आपको बता दूं कि शालीन बनोट ने फाइनली टॉप 5 में अपनी जगह बनाई। दैट इज द ओनली बिगेस्ट अचीवमेंट फॉर हिम। उनसे ये पूछा गया कि क्या उन्होंने सोचा भी था सपने में। ये बात कहते हुए शालीन नजर आए कि मैं सुबह से ही आज अपने आप को आईने में देखकर यही कह रहा हूं, शालीन यू डिड इट। क्योंकि कहीं ना कहीं शालीन ने सोचा भी नहीं था कि वो टॉप 5 में एग्जिस्ट करेंगे। टॉप 5 में आना शालीन के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट से कम नहीं है। इसके अलावा शालीन ने एमसी स्टैन को बताया सच्चा, अच्छा और बिल्कुल बच्चा इंसान। तो बेसिकली एमसी स्टैन इज अ डिजर्विंग विनर अकॉर्डिंग टू शालीन। वो डिजर्व करते थे, काफी सच्चे इंसान हैं, इस वजह से ही इज द डिजर्विंग वन। साथ ही साथ स्टैन के साथ साथ शालीन ने खुद को भी बताया विनर। आपको बता दूं कि ऑफकोर्स द पॉपुलर प्रोड्यूसर एकता कपूर, जो कि खुद ही एक वीडियो क्लिप उन्होंने शेयर किया, एक सेल्फी वीडियो बनाया शालीन के लिए और उन्हें अपने अपकमिंग शो के लिए बतौर मेन लीड में उन्हें रोल दिया है, ये शालीन के लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट हुआ है। तो बिग बॉस के घर से शालीन को ये सबसे बड़ा अचीवमेंट मिला। कहीं ना कहीं शालीन के लिए ये किसी ट्रॉफी या विनिंग प्राइज से कम नहीं था। इस वजह से शालीन के अकॉर्डिंगली शालीन भी एक बहुत बड़े विनर हैं और उनके पेरेंट्स उन पर काफ़ी प्राउड फील कर रहे हैं। तो शालीन काफ़ी खुश है कि वो अब बहुत जल्द कलर्स का ही चेहरा बनने वाले हैं एकता कपूर के अपकमिंग शो में। बतौर मेन लीड आप सभी शालीन बनोट को करने वाले हैं एंजॉय। साथ ही साथ एकता कपूर के शो को तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन रोहित शेट्टी के रियलिटी शो खतरों के खिलाड़ी को रिजेक्ट कर दिया। इस पर शालीन ने बयान दिया है, जहां शालीन ने कहा रोहित शेट्टी को मना करना इज एक्चुअली मैं सोच भी नहीं सकता, लेकिन जब मैंने ये देखा कि शो में क्लिप्स दिखाए गए, शो में सांप, केचुए, बिच्छू, कॉकरोच ये सारी चीज़ें होंगी, तो मुझे उससे बहुत बड़ा फोबिया है और मुझे पता है कि जब मैं बिग बॉस के शो में आया हूँ तो मैंने अपना 200% दिया है और हर टास्क मैं जीता हूँ, लेकिन मुझे ये पता है कि मैं अगर खतरों के खिलाड़ी में जाता हूँ तो मैं शायद अपना 200% ना दे पाऊँ। इस वजह से मैंने इस शो के लिए फिलहाल मना किया, लेकिन आगे चलकर जरूर रियलिटी शो में कोई ऑफर मिलेगा तो मैं डेफिनेटली जाऊंगा, लेकिन इस बार डेफिनेटली रोहित शेट्टी सर कहीं ना कहीं मेरी एक्टिंग स्किल्स को ही देखकर अपने छोटे मोटे फिल्मों में मुझे जगह दे दे, छोटे से जगह दे दे, आई मीन वही बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पर शालीन पूरी तरीके से ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि वो है विनर ऑलरेडी, क्योंकि उन्हें एकता कपूर के इस पॉपुलर कलर्स के नए शो में बतौर मेन लीड ऑफर मिला है। तो यहाँ पर शालीन जो है वो काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं टॉप 5 में पहुंचकर और अपने कमिंग शो के लिए सुपर एक्साइटेड नजर आए हैं। तो आप सभी बताएं शालीन बनोट को एकता कपूर के अपकमिंग नए टीवी शो में देखने के लिए कितने हैं सुपर एक्साइटेड, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल।